रेंजर्स फिर बेअख्तियार। सूबाई हुकूमत तौसी पर शशोपंच का शिकार। रेंजर्स के खसूसी अख्तियारात की मुद्दत खत्म। तौसी के लिए हरकत में ना आया वजीर आला का कल्ब। महकमा दाखिला सिंध ने 5 अप्रैल को समरी भेजी थी। रेंजर्स के खसूसी अख्तियारात ना रहने पर अब दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां मुतासर होने का खदशा। रेंजर्स इख्तियारात की समरी पर कानून के मुताबिक अहकाम देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं एक हफ्ते तक गैस नहीं मिली तो अपना हक छीन लेंगे। सुई सदरन को बैंक गारंटी देने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले एग्रीमेंट तो करें। 20 घंटे की लोड शेडिंग सिंध के साथ दुश्मनी है। मनाने की दूसरी कोशिश भी नाकाम। इसहाक डार के तवील मुजाकरात भी काम ना आए। सेनेटर्स के मशवरे से जवाब दूंगा। हुकूमती यकीन दहानी पर रजा रबानी का जवाब। वजीर खजाना की वजीर आजम से मुलाकात। रजा रबानी के तहफुजात से आगाह किया। चेयरमैन ने वुजरा के ऐवान में ना आने पर एहतजाजन काम छोड़ रखा है। कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाए जाने का गुस्सा। भारत पानी के तनाजे पर मुजाकरात से पीछे हट गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुतनाजे पन बिजली मंसूबे पर मुजाकरात वाशिंगटन में होना थे। दोनों मुल्कों में पानी के तनाजे पर आइंदा 6 माह तक बातचीत ना होने का खदशा। मर्दान की यूनिवर्सिटी में तशद्दुद से नौजवान की मौत। परवेज कदर कहते हैं अब तक मकतूल के खिलाफ गुस्ताखी का कोई सबूत नहीं मिला। इल्जाम लगाकर तशद्दुद से मार डालना बर्बरियत है। जुडिशियल इंक्वायरी होगी। उधर FIR दर्ज। 8 मुल्जिम गिरफ्तार। मिशाल की सवाबी में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के सियासी किले पर चढ़ाई। खजाने के मुंह भी खोल दिए। जैकबाबाद के लिए हेल्थ कार्ड समेत 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान। कहते हैं रुकावटें ना डाली जाएं तो कराची 1 साल कबल ठीक हो चुका होता। सिंध हुकूमत ने मायूस किया। हमारे आने से पहले सिंध में डाकू राज था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बूम बूम आफरीदी को फेयरवेल देने पर तैयार। नजम सेठी का शाहिद आफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता। मुलाकात के लिए लाहौर बुला लिया। कहते हैं आपके शायान शान फेयरवेल दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ICC का सफीर बनने पर आफरीदी को मुबारकबाद। इलेक्ट्रिक के बिजली की पैदावार के झूठे दावों का भांडा फूट गया। के इलेक्ट्रिक के अपने ही आदाद शुमार ने हकीकत खोल दी। के इलेक्ट्रिक के दावे सच हैं तो कराची लोड शेडिंग फ्री होना चाहिए। विफाकी हुकूमत से भारी सब्सिडी के बावजूद शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। पाक सरजमीन पार्टी का धरना 10 रोज भी जारी रहा। मुस्तफा कमाल ने आज शाम 6 बजे कराची प्रेस क्लब पर कारकुनों का इजलास बुला लिया। कहते हैं बेहिस हुक्मरानों ने इतनी नाउम्मीदी फैलाई कि लोगों ने मसाइल को अपना नसीब समझ लिया। सिंध के आधे आवाम बीमार हैं। जहां से जानवर पानी पीते हैं वहीं इंसान भी पी रहे हैं। News, एक बार फिर सबसे आगे। डाउ यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मसूद हमीद का एक और स्कैंडल बेनकाब कर दिया। मसूद हमीद ने 14 साल में अरबों रुपए फूंक डाले लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। साबिक वाइस चांसलर ने 14 बरस तक यूनिवर्सिटी का ऑडिट नहीं करवाया। लाहौर में मां ने 2 बच्चों को कत्ल करके मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शादबाग के इलाके ईसा नगर में वाकया घरेलू झगड़े के नतीजे में पेश आया। 30 साल की किरण ने 5 साल ईमान और 3 साल के मैथ्यू को गला दबाकर मारा फिर अपने बाजुओं की नसें काट ली। बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए दुनिया भर से 3000 सिखों की हसन अब्दाल अहमद। गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत। मजहबी रसूमात के साथ पवित्र होने के लिए स्नान भी किया। सिख यात्रियों का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बैसाखी मेले की लाहौर में भी तकरीबात होंगी। के शहर सोले में गुड फ्राइडे की तकरीब के दौरान भगदड़ मच गई। 30 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तश्वीशनाक। भगदड़ का बाइस बनने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
लाहौर में पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के जेर एहतमाम फैशन वीक, दूसरे रोज मलबूसात की नुमाइश के 4 सेशन हुए। मॉडल्स ने नामवर डिजाइनर्स की मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके कैटवॉक की। फैशन मेला अपनी पूरी रानाइयों के साथ आज अख्ताम को पहुंचेगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म, एक्शन हीरोइन डीजल के मद्दाह हो जाए तैयार। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की आठवीं फिल्म द फेट ऑफ फ्यूरियस आज अमरीकी सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है।